हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं अपने एसएससी का एग्जाम से रिलेटेड। आपका एसएससी एमटीएससी 10 मई को हुआ था, 9 बजे से ले सॉरी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसका मतलब ये आपका इस दिन का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। और इस एग्जाम में जो हम सोल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बोटा की सोनम जो है बोट खरीद रही है कुछ मोटर बाइक पुरानी, इतने रुपए देकर 4675, उस पर खर्च किए 225 रुपये रिपेयर पर, ठीक है। और उसको बेच दिया 5390 में, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल सीपी अगर आप देखोगे तो 4675 तो उसने दिए और 225 रुपये एक्स्ट्रा उसने लगाए हैं, कितने हो गए। 0 0 3 और 6 9 49 हो गए, ठीक है। और एसपी कितना दे दिया इसने, बेचा कितना 5390 में, 5390 में कितने का फायदा किया इसने, देखोगे तो 0 9 490 का, 490 का क्या क्या प्रॉफिट। अगर 490 का अगर आप प्रॉफिट करते हो, कितने पे जितने पे आपने खर्चे होंगे उस बाइक पर रुपए, उतने पे जो करोगे इंटू में 100 कर दो, 49 100 से आपका 10 चला गया सीधा, 10 1 0 से 1 0 कट गए, तो 10% आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एवरेज प्राइस ऑफ बेस पेन 18 है, बड़ा न्यू पेन ऐड किए और एवरेज प्राइस कितना कर दिया 40 सॉरी 4 रुपये राइज किए हैं। अगर 20 पेन का आपके पास एवरेज कितना है, 18 रुपये है, तो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल रुपए आ जाएंगे तो 360 हो जाएंगे। अब बोला कि 12 नया पेन और ऐड कर दिया, 12 नया पेन ऐड कर दिया तो इसका मतलब 32 पेन हो गए, ओके। तो एवरेज प्राइस कितनी होगी, राइज होगी 4 से, तो 4 से राइज कर दो 18 में 22 से, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 32 22 दूनी 44 22 तीन 66 और 70 ये होगा ना। तो टोटल प्राइस ऑफ न्यू पेन बताना है, तो न्यू पेन कितने ऐड हुए आप देखोगे तो 12 ऐड हुए हैं, यहाँ पर कितने रुपए ऐड हुए हैं, कितने हुए 344 रुपये आपके ऐड हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में, ए अकेला काम करता है, हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन हिम, कितने दिन के बाद बी उसको ज्वाइन करेगा ताकि वो 10 दिन में कंप्लीट करते। चलो देखते हैं, ए की फिर एक 16 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, टोटल काम आप यहाँ से 48 निकालोगे क्योंकि 48 क्या है इनका, दोनों का एलसीएम है। तो 16 16 दूनी क्या होगा, 16 3 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। बोला कि ये अकेला काम कर रहा है, ए ने अकेला काम किया, तो ए ने अकेला कितने दिन, 10 दिन में खत्म करना, तो 10 दिन इन्होंने काम किया होगा 30, ए अकेला कितना काम करता है 30 काम करता है, 48 में से 30 गए, कितने बचे 18 बचे, ठीक है 18 बचे। तो बोला कि कितने दिन के बाद ज्वाइन किया, ये जो 18 काम है ना ये बी ने किया है, तो 18/2 कर दो, कितने दिन किए हैं इसने 9 दिन, 9 दिन इसने किए हैं, 10 दिन अगर मान लो 10 दिन पूरा ए कर रहा है, 9 दिन ने बी में किया है और टोटल काम 10 दिन में खत्म हो रहा, तो इसका मतलब कितने दिन के बाद बी आ चुका था, 1 दिन के बाद बी आ चुका था, क्योंकि एक काम तो ये और 9 1 दिन ये एक्स्ट्रा और 9 दिन इसने ए प्लस बी के साथ लिए हैं और इसने अकेले ने ए ही किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है, अगर वे 5 दिन करे एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, और बाकी बचा हुआ काम बी 10 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ए है बी है, ए अकेला 30 दिन में खत्म करता है, ठीक है ओके। तो यहां से हम एक चीज देखते हैं क्या, कि अगर ए अकेला 30 दिन में करता है और वो 5 दिन काम करता है, तो मैं एक काम मान लेता हूँ कोई काम कंप्लीट है 1, ठीक है, वो 5 दिन में कितना काम करता है, अगर पूरे काम को वो 30 दिन में करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा 1/2 सॉरी 5 दिन में 1 दिन में वो 1/30 काम करता है, और 5 दिन में कितना करेगा 5/30 करेगा, मतलब कितना हिस्सा, छठा हिस्सा, 1/6, ठीक है।
काम हमने कितना माना था, वन, तो सिक्स काम करेगा तो 1 - 1/6 आप कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, 5/6 आ जाएगा। 5/6 कौन करता है इसको, काम को बी करता है, ठीक है, बी करता है। अगर मैं बी का पूरे दिन का काम निकालू, अगर देखो यहाँ पर कितने दिन है, 10 दिन है, बी अकेला 10 दिन में काम करता है और पूरे काम ये 10 दिन में ये काम करता है, ये पूरा काम निकालो तो पूरा काम क्या होगा, अगर वो 10 दिन में 5/6 कर रहा है, ठीक है, तो 10 दिन में कितना करेगा ये, सॉरी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10/5/6 ऊपर आ गए तो 5/6 को 2 = 12, तो बी के टोटल दिन आ चुके हैं 12 दिन में, वो खत्म करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये तो निकालना था, 12 आपका राइट आंसर दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई एक काम है और वो उसी काम को ए जो है वो 30 दिन में कर रहा है, एक दिन में वो 30 दिन में कंप्लीट करेगा, लेकिन एक दिन में कितना करेगा, 1/30, 30 का हिस्सा, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि 5 दिन में वो कितना काम कर देगा, 5 दिन में आप देखोगे तो 5/30 कर देगा, राइट, निकालो 1/6 आ जाएगा, फ्लेक्स 1/6 आ जाएगा। लेकिन मैंने कितना माना था टोटल काम, 1/1 माना था, ए ने 5 दिन में इतना काम कर दिया, तो कितना काम बचा, 1 - 1/6 बचा, तो कितना है आपके पास, 5/6। अब ये 5/6 कौन कर रहा है, 10 दिन में, ए बी करेगा, ठीक है, 10 दिन में कौन करेगा, बी करेगा। अगर मैं पूरा काम निकालू, पूरा एक काम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि 10 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब टाइम के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं 5/6, तो यहां से कितना आया, 2 = 12, 12 दिन आपके सीधे साधे आ गए, क्योंकि पूरा काम हमने निकालना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन गया। एल सी एम निकालना है जिसकी 80, 90 और 112, तो एल सी एम निकालो तो आप देखोगे 112, 80 और 90 का तो आपका हो जाएगा कितना, एक मिनट देख रहे हैं भाई, 80 और 90 का छत्तीस, 36 नहीं होगा, 72 होगा, ठीक है, 720 हो जाएगा। अब 720 और इसका निकालना है तो एक 112 का, तो ये 720 का डबल, सॉरी ट्रबल नहीं होगा, कितना हो जाएगा भाई इसका, 0 और 2 2 4 निकाल लीजिए ऐसे करके, 720 और 112 दोनों 4 से जा रहे हैं तो 4 से कट करो, 4 18 चौक 72, और ये भी 4 से कट गया, 4 2 8 और 4 निम हो गया, ये आ गया ना, 4 निम 4 8 32, सॉरी 8 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से जाएगा, 4 4 चौक 16, 4 5 और ये 4 से जाएगा, 4 7 हो गया, आगे आगे नहीं जाएगा, 7 चक 4 चौक 16 और 16 7 112, 16 7 112, 112 की 45 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 40 से पहले 5 से करा दो, 5 से कराओगे तो ये आपका 10 5 2 10, 5 एकम 5 और 6 5 एकम 5, ठीक है, और अब 40 से कराओगे, 4 2 8 4 4, ये आ गया 0, 6 और 8 4, 5 और 4 9 और 1 10 और 5 50 40 आपका सीधा साधा आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन काफी अब की बार एलसीएम वाले कैलकुलेट ही दे रखे हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ रमन बोल रहा है 5 दिन में के 160 रुपये है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज 90, 135, 75, 180, तो 5th डे का निकालना है, तो क्या करो, 5 दिन का 160 है तो 5 × 160 कर दो, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। बोला कि 90, 135, 75 4 दिन का है तो 5वें दिन का हमने निकालना है, तो यहाँ से टोटल कर लीजिए, 90 + 135 + 75 + 180, 90 और 180 तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270 और ये आपका कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 और 270 आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 210 और 270 480 दे देता है, ओके माइनस कर दो,
पांचवे दिन की आ जाएगी 0 to 320 रुपये, आपके आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका रेशियो इक्वल है साइड के और अनइक्वल साइड इतना है। रेशियो ऑफ इक्वल साइड एंड अनइक्वल साइड इतना है। ओके, पेरीमीटर दे रखा है 34 और लेंथ ऑफ इक्वल साइड निकालनी है, तो इक्वल साइड 5 है, तो इसका मतलब 2 बार 5 आ गया। ओके, और 7 आ गया। इस अब पेरीमीटर क्या होते हैं, सभी का प्लस होता है, 10 और 7 17 हो जाएगा। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी, 34 दे रखी है। कितने से मल्टीप्लाई किया वो, डबल से। बोला कि जो इक्वल साइड है वो कितने की होगी, 5 है, क्योंकि 5 ये तो इक्वल है, तो इसको डबल से मल्टीप्लाई करा दो, 10 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाउ मच परसेंट मार्क्स स्कोर बाय ईशा इन एग्रेशन। ओके, ईशा कहाँ है, ईशा ये। ठीक है, तो सभी में कितने ना टोटल नंबर आए होंगे, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहां से 80% हो गए। ठीक है, यहां से 60, ये 150 में से 104 है, तो 150 में से 104 का परसेंटेज आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये लगभग 69-70 के करीब जाएगा। मैं 70 लिख रहा हूँ, ठीक है इसको। और अगर हम 132 को करेंगे तो 132, तो ये आपका 88 के लगभग, हाँ 88 ही, ठीक है 88 आएगा। और 105 का देखेंगे तो 105 आपका 15-7, हाँ 70 पे चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका 90 हो जाएगा। आप टोटल ओवरऑल परसेंटेज काउंट कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, क्योंकि ये 69 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो इसका मतलब जो भी हम सम करेंगे और एवरेज निकालेंगे वो आपका कम से कम क्या जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 7 21 और 9 30, 30 और 7 37, 37 और 9 37 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 46। और 46 में 460 में 2 कम करना, 460 में अगर 2 कम करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 कर लीजिए, 6 7 42 होता है, 3 8 6 6 36 होता है, तो 76 से थोड़ा सा कम होगा, 76 से थोड़ा सा कम आपको ये दे रखा है, बाकी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखी है 4 और 3 का। एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया 1/4 ऑफ इनिशियल सेविंग, ऑफ इनिशियल सेविंग एंड इज इनकम इंक्रीज बाय 300 रुपये, तो इज सेविंग, उसकी सेविंग तो होगी, वो रिमेनिंग रहेगी सेम रहेगी, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या होगा वो हमें बताना है। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग का बोला है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, 400 और 300 इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपका सेविंग है, ये आपका इनिशियल है। ठीक है, बोला कि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया 1/4 हो, इसको इंक्रीज कर दिया 1/4 हो सेविंग, 300 माना तो 300 से, तो आपका कितना हो जाएगा, ये एक्सपेंडिचर 475 हो जाएगा। ठीक है, और सेविंग तब भी कितनी रहनी, सेम रहनी है। ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर बोला है, कब बोला है, एंड एंड हिज इनकम इंक्रीज बाय 300। अगर ये आपका 400 और 300 है तो इसका मतलब टोटल इनकम कितनी होगी, 700 होगी। टोटल इनकम कितनी होगी, 700 हो गई, 700 हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आपका 75 और 7, सॉरी इंक्रीज किया ना इनकम को, तो इंक्रीज किया कितना, इंक्रीज किया अपना यहां से ऑलरेडी हम देखते हैं 775 हो गया, कितना इंक्रीज किया है इसने अपने अकॉर्डिंग, कितना इंक्रीज हुआ, 75 का इंक्रीज हुआ, और 75 की वैल्यू कितनी दे दी, 300 दे दी, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा। बोला कि इनिशियल एक्सपेंडिचर बताना, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर ये है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या देगा, 1600 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 साल के बाद एक सम इन
इन्वेस्ट किया एक सिंपल इंटरेस्ट रेट 8% है, बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ, अपने आप की क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो आर के वैल्यू में बताने हैं कि रेट क्या हो गया आपकी। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले आपको एसआई का फॉर्मूला लिख देता हूँ। बोला कि अगर पी आर टी अपॉन में 100, यहाँ मल्टीप्लाई है रोके, तो ट्वाइस ऑफ इट सेल्फ हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल को पी रहने देता हूँ, अगर किसी सम को पी रहने देता हूँ, तो अमाउंट कितना, ट्वाइस हो जाएगा। ओके, 2p। तो एस आई कितना हो जाएगा, पी को माइनस कर दीजिए, पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी आ गया, और यहाँ पर कितना आया, पी तो है, आर आर हमें निकालना है, टी आपको 55 साल दे दिया, डिवाइड बाय 100 कर दो। ओके, तो कट करोगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, पी से पी कट कर दो, आर कितना आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 20/11% आपका आंसर दे देगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 7 × 5 कितना हो गया, 35 हो गया, 63 ये हो गया, और 49 × 2 = 98 हो गया, और 195 हो गया। ठीक है, 49 से 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 और 1 + 63, 98 98 कितना होता है, 196 - 195, तो ऊपर कितना आ गया, 77/1, तो 77 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर सेल करता है आर्टिकल 10% के लॉस पर, डिस्काउंट 20% देता है। ठीक है, तो रेशियो सीपी और एमपी में रेशियो बताना है। तो आप देखोगे 20% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ तो हम डिस्काउंट का काम करेंगे, यहां से डिस्काउंट का काम किया, तो एमपी और एसपी आया। अगर 5 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी, 4 में बेच दी, यहाँ पर 10% का लॉस है, तो 1/10, तो इसका मतलब सीपी जो होगा वो आपका 10 हो जाएगा। ओके, लॉस कर दिया, 1 का 9 आ गया। ओके, तो सीपी को आप सेम बना लो, तो सीपी को सेम बनाएंगे तो ऊपर 9 से, नीचे 4 से, तो सभी के साथ, अगर ऊपर 9 से तो सभी के साथ 9 से करना पड़ेगा, और नीचे 4 से तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो आपको क्या क्या चाहिए, देखो ये तो 36 आ गया, यहाँ तो 36 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आया, 45 आया, यहाँ पर कितना आया, 40 आया। ठीक है, क्या बोला है, सीपी सीपी पहले होगा, सीपी पहले होगा, तो सीपी अपॉन में एमपी हमें बताना है, सीपी कितना 40, एमपी कितना 45, तो कट करो 8, कट करो 9, तो 8/9 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतनी है, अगर एक्स इतना है और वाई इतना है, तो देख लेते हैं। डिस्टेंस गया 45 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ओके, कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, गया और आया। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो एक बार तो क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस किया। ओके सॉरी, पहले तो प्लस किया, फिर आपका डिफरेंस किया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 45 की डिस्टेंस है। ओके, टाइम कितना होगा, एक बार तो एक्स प्लस वाई होगा, तो 9 और 6 कितना होगा, 15 होगा, प्लस में दोबारा 45 आया। ओके, दोबारा 45 आया, आपकी बार डिफरेंस कर दिया, 9 और 6, 9 में से 6 गए 3, अब टोटल टाइम बताना, तो 15 से ही आपका 3 गया, ये आपका 15 हो गया, तो 3 और 15 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी पार्टनरशिप है, 5 टाइम ऑफ ए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ बी इन्वेस्टमेंट, तो 5 ऑफ ए इज इक्वल टू 7 ऑफ बी, तो ए की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। ओके, और बी की वैल्यू जो होती है यहाँ पे, बी 5 आ जाती है। ओके, अगर टोटल प्रॉफिट 1200 है, ये टोटल प्रॉफिट है, तो ए का शेयर बताना है, तो इन दोनों का सम कितना आया, 7 + 5 का सम 12 है, जिसकी वैल्यू हम क्वेश्चन ने कितनी दे रखी, 12000 दे रखी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से हुआ, 1000 से, तो हमें ए का चाहिए, तो ए आपका 7 है, ए आपको क्या है, 7 है, तो 7 को हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7000 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेलुएट करना है, तो आप देखोगे तो 6 से, ये ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से 6 गया, तो आप 6 ही बचा। ठीक है, तो 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया, -6/5 करोगे तो 12 × 5 = 60 होता है, 60 - 6/5 = 54/5 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि एक नंबर को इंक्रीज किया 112 से बाई 112, तो वो अपने आपका 170% बन जाता है। मान लो कोई नंबर है एक्स, उसको इंक्रीज किया 112 से, तो वो अपने आपको कितना हो गया 170%, 170% का ये कर दो इंटू में एक्स कर दो, ठीक है, ये आपका आंसर दे देगा, नंबर निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 10 को उधर भेजेंगे तो 10 से x+ में 1 1 2 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया 10 को दोनों के साथ, और ये 10 17 x आ गया। 10 को इधर भेजेंगे तो आपके पास 112 और 0, यहाँ से 7 x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 से कट करोगे कितना आ जाएगा, 7 1 7 6 160 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, अमाउंट है इतनी, ओके ये आपका अमाउंट है 2 साल के लिए 3600, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी। तो मैं एक काम करता हूं कि यहां मैं इसको छोड़ के अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू मान लेता हूं, 10,000 की वैल्यू, ठीक है, 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो ये 2 साल कर दिया, रेट हमें निकालनी है, ओके रेट की दिक्कत हो जाएगी भैया, तो इसको फार्मूले से यूज करेंगे। तो यहां पर हम देखने वाले सी आई का और माइनस एस आई का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा वो हमें पता लगाना। देखो एक तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हम स्कूल से पढ़ता रहे, P1 -1+R/100 ÷ (t − 1) कुछ ऐसा सी आई आ जाएगा, माइनस करोगे और इसके अंदर क्या करोगे PRT/100, ये आप सब काम करने के बाद डिफरेंस लेगा वो 36, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, बाकी प्रैक्टिस आपको इस पे भी करनी है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्टकट साथ, तो क्या करोगे PR² कर दो ÷100² कर दो, इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे जल्दी सोल्व कर पाओगे डिफरेंसेस को। निकालते हैं, 3600 हो गया, पी कितना है 14400 है, R² हमें निकालना है, ÷100² हो जाएगा, 00000 और ये आपका 36 से कट करो 3600, 36 से कट करो 4 से 4 से कट करो 25, तो यहाँ से R² कितना आ गया 2500 आ गया, और 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है 50 का होता है, तो 50% आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक सेलिंग ग्लास ली है 1378 रुपए में, ग्लास का सेलिंग रुपए है, एक मैन इर्न करता है 6% और उसे बेचता है कितने में 1069 में, तो लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है, क्या बात है, कम में क्यों बेच रहा है भाई, अगर वो 1378 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना है 6%, 1378 की वैल्यू कितनी यहाँ पर दे दी इसने 106% के बराबर दे दी, तो 106% कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है ये आपका एक पे चला गया, तो 106 एक 3 और यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, और मतलब यहां से 318 बन गया, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और करा दूं तो कितना आएगा 1% की वैल्यू आ जाएगी, तो आप देखो खुद को ये 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बोला कि 1079 में कितना परसेंटेज होगा, तो कुछ नहीं करना इसको डिवाइड करना 13 से, तो 1079 को भी हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 8 104 होता है, 13 3 39 होता है, 83% टोटल रुपए इसकी वैल्यू 83% आया। बोला कि लॉस कितना किया है, लॉस पूछा है, लॉस क्या करोगे 100 - 83 कर दो और आपका लॉस आ जाएगा 17, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि एक सिलेंड्रिकल आयरन का वेट निकालना है जिसका बेस का रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, तो वेट जब आप निकालते हो तो क्या निकालते हो, वॉल्यूम निकालते हो, वेयर इज वॉल्यूम, वेट ऑफ 1 cm³ ऑफ आयरन इज 2 ग्राम, 2 ग्राम का वेट है, चलो वॉल्यूम निकाल लो भाई, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का आपको बताओगे π/r² होते हैं, तो कर दो भाई 22/7, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ध्यान से करना, 22/7 और या 412.6 cm है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में करोगे तो
400 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर बनाओ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो रेडियस कितनी, 12.6 है, तो 12.6 को 126/10 कर दो, 126/10 कर दो, और हाइट कितनी है, 400 है, राइट। ये सेंटीमीटर क्यूब आया। अब इसको क्या करो, 2 किलो 2 ग्राम के बराबर है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। साथ में ग्राम से किलोग्राम बनाना, तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से भी डिवाइड कर दो। सारा कैलकुलेशन हम एक साथ ही कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमें, ठीक है। तो 00 से 00 कट कर देंगे, यहाँ से 7 से आपका कट हो जाएगा, कितने पे, 7 से आपका कितने हो जाएगा, वही है, 7 से 7 एकम 7, 7 और 2 56, ठीक है, 18 पे चला गया। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई ना करो तो आप एक काम करो, 22 जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है, और 18 जो होता है 9 से डिविजिबल होता है, लगा लो, अप्लाई कर लो। और ये 4 करनी 4 और 2 8, 8 से डिविजिबल देखना आपने। देखो ये तो पॉइंट हटाओगे तो कैलकुलेशन सारी क्लियर हो जाएगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कि लास्ट के 3 डिजिट जो है ना, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। चल स्टार्ट करते हैं, पहले में 8 3 24 और 44, 44 नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, 8 8 7 56 2 24, ये हो जाएगा, 8 8 से कर रहा हूँ मैं फिलहाल, 8 से कर रहा हूँ, ठीक है, 8 से ये भी हो जाएगा, 8 से 8 6 48, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो 8 की वजह से कट गए, तो 8 पे कट गए तो 4 पे भी कट जाएंगे। तो अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कि इन सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 और 9 10 19, 19 और 5 24, 24 4 28, 28 और 8 36 हो जाएगा भाई, 3 9 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 21, 21 और 1 22, 22 और 1 26, 27, 27 और 8 क्या कर रहा है, 3 और 9 12, 12 और 9 21 और 1 22, 6 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ तो आपको क्या लग रहा है, मेरे ख्याल से डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा है यहाँ पर, चलो और देख लेते हैं। 4 दुनी 8, सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 दुनी 8, इधर से 2 उठाए, इधर से 8 उठाए, इधर से 6 उठाए, यूनिट डिजिट ओनली, इधर से 8 उठा लिए, ठीक, 8 6 48, यहाँ से 8 आया, 8 8 64, यहाँ से 4 आया, 4 दुनी 8, अरे 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रही है, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 बोला कि क्या क्वेश्चन क्या है, एवरेज सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, PRTW, P 7% है, R 8% है, PRT T में जाओ 17% है, और W W 3% है, ठीक है भाई, इन सभी का प्लस कर दो और एवरेज निकाल दो, सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ इसका, और दूसरा क्या निकालना, इसका भी मतलब इनका सम दूसरे एवरेज नंबर से Q और V से, Q 37% है, ओके, V 5% है, प्लस में 5 डिवाइड बाई 2, ये सॉल्व करना, अपना आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 3 और 7 17 और 3 20, और 20 और 15 35/4, यहां से आ गया, प्लस में यहां से कितना आएगा, 42/2 21 आ जाएगा, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए, 35 प्लस 84/4, तो कितना आ जाएगा, 4 4 और 5 9, और 8 और 3 11/4, 119/4% आया ये, और टोटल परसेंटेज इन्होंने दी होगी कितना, 8000, 100 की 100% की वैल्यू कितनी है, 8000, 1 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 80, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो इतने की कितनी हो जाएगी, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कट करो 20, और 0 38 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 238 0 आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो
ये एग्जाम के 20 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, आप मतलब क्वेश्चन आसान थे लेकिन कैलकुलेटिव थे, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इस वजह से मुझे टाइम लगा इसमें करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।